सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एडिटिव चैनल फॉर्मुला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआईटी रुड़की के एमटेक इन डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि आप इसको बिना गेट एग्जाम दिए ही कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, स्टाइपेंड देखेंगे कि आपको कितना स्टाइपेंड आईआईटी रुड़की प्रोवाइड करेगा, एंड एट लास्ट हम इसके कुछ प्लेसमेंट के डिटेल्स देखेंगे। ओके, तो अभी हम आईआईटी रुड़की के अपने साइट पे हैं, चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इसके एमटेक वाले साइट पे। ओके, तो यहाँ पे आपका इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बताया है। यहाँ पे है आपका एमटेक इन डेटा साइंस। ओके, तो आपका ये पीजी प्रोग्राम होने वाला है 2 इयर्स का एमटेक इन डेटा साइंस में। ओके, तो चलिए मुझे डेटा कुछ यहाँ के अच्छे से नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ये डेटा पहले से कलेक्ट करके शिक्षा ऐप से रख लिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी रुड़की का ये आपका प्रोग्राम है एमटेक इन डेटा साइंस का। आपका ये फुल टाइम प्रोग्राम होने वाला है, इसकी ड्यूरेशन है आपकी 2 इयर्स की। मीडियम आपका सेम इंग्लिश होने वाला है, जैसा आपका यूजी का रहता है इंग्लिश, वैसे यहाँ पे भी आपका इंग्लिश होने वाला है। यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट आपको मैं दिखा दूं, हाईलाइटेड पॉइंट में है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी 3 इयर्स फॉर पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। तो इसका मतलब है कि अगर आप पार्ट टाइम इस डिग्री को कर रहे हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड, देन आपका ये जो डिग्री हो जाएगा 2 ईयर से बढ़ के 3 साल का हो जाएगा। ओके, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं देन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये 2 इयर्स का ही डिग्री रहेगा। ओके, फीस की अगर हम बात कर लेते तो फीस इसकी टोटल 20,000 है। ओके, ये आपकी 20,000 पूरी फीस है। अगर आप वन टाइम आपको पेमेंट करनी होगी, आपको 9,000 की वन टाइम पेमेंट करनी होगी। ओके, आपकी टोटल फीस 20,000 है, वन टाइम की आपको पेमेंट करनी होगी पहले ही, वो आपकी 9,000 आपको पेमेंट करनी होगी। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते तो एलिजिबिलिटी इन्होंने ग्रेजुएशन मांगनी है। ओके, आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा, वेट। ओके, अब आपको शायद विजिबल होगा। एलिजिबिलिटी एंड कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। ग्रेजुएशन आपने अगर कैंडिडेट्स हुए पास बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इंटीग्रेटेड एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग। तो मेन थिंग मैं आपको बता दूं, अगर आपने बीई या बीटेक किया है या फिर बीई बीटेक इक्विवेलेंट कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री की है, या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड एमएससी या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री की है साइंस स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, देन आप इसके लिए एप्लीकेबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे भैया बीएस डिग्री वाले स्टूडेंट्स एप्लीकेबल मतलब एलिजिबल हैं? तो यस, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं क्योंकि आपकी इक्विवेलेंट 4 इयर्स डिग्री हो जाएगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओके, गेट एग्जाम आपको यहाँ पे नेसेसरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था गेट एग्जाम आपको यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको इन्होंने सिंपली यहाँ पे बता दी है कि आपकी एलिजिबिलिटी बस बीटेक बी पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपने बीएस डिग्री किया है 4 इयर्स का, देन अगर आपने एमएस डिग्री किया देन। ओके, और कुछ लोग पूछेंगे देन इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपने अगर ये सारी डिग्री की है, आपकी अगर सीजीपीए 6.5 या 7 के ऊपर है, देन आपको सीधे इसके साइट पे आके अप्लाई करना होगा। आपने जैसे ही अप्लाई किया आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ओके, तो मेन यहाँ पे थिंग आ जाता है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। आप अगर ऑनलाइन इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं देन ये हो सके तो आपका रिटन टेस्ट लेंगे, अगर नहीं ले रहे हैं तो ऑनलाइन इंटरव्यू बेस पे ही आपके सेलेक्शन हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। ये तो सिमिलर एलिजिबिलिटी है कि बीई बीटेक आपको पास होना चाहिए कम से कम, या फिर बीएस डिग्री या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री, और आपका सिलेक्शन जो होगा सिलेक्शन आपको ऑनलाइन इंटरव्यू बेस पे होगा। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जा रहे हैं, अगर कैंडिडेट ज्यादा हैं, देन आपका रिटन एग्जाम होगा, अगर नहीं है देन आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे गेट की एलिजिबिलिटी इन्होंने नहीं रखी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके सीजीपीए अच्छे हैं देन आपके सीजीपीए भी यहाँ पे मैटर कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम। ओके, तो आपको अच्छे सीजीपीए बना के रखने होंगे अपने ग्रेजुएशन में। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं तो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे स्टाइपेंड जैसे हर आईआईटीज में आपको देखने को मिलता है या हर एमटेक कॉलेज में आपको देखने को मिलता है, 12,400 का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलेगा पर मंथ का। ओके, ये स्कॉलरशिप कुछ और यहाँ पे इन्होंने बताया है। ओके, तो ये स्कॉलरशिप ये नहीं है, आप इसको रहने दीजिएगा, आप इसको मत देखिएगा। ओके, स्कॉलरशिप ये जेई एडवांस बीएसपी इन्होंने बताया है। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का कुछ डेटा है। यहाँ पे मीडियम सैलरी आपकी 12,60,000
70,000 की आपकी मीडियम सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है आईआईटी रुड़की, अगर आप एमटेक इन डेटा साइंस कंप्लीट कर रहे हैं आईआईटी रुड़की से देन। ओके, ये आपकी मीडियम सैलरी है, हाईएस्ट भी नहीं है लोएस्ट भी नहीं है, आपकी मीडियम सैलरी है। ओके, आप देख सकते हैं ये आपकी मीडियम सैलरी है 2022 बैच की है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही होगा, रिक्रूटर्स पहले मैं आपको बता दूं रिक्रूटर्स कौन कौन से आए थे। एडोब आया था, सिटी बैंक आया था, फेसबुक आया था, होंडा कार्स आए थे, आईबीएम आया था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप सभी को पता होगा आईआईटी है, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी खासी ही होगी। ओके, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, वाईफाई, ऑडिटोरियम, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स आप देख सकते हैं, हॉस्टल्स एक हॉस्टल 10 मतलब 10 आपकी बॉयज हॉस्टल है, 3 आपकी गर्ल्स हॉस्टल है, 6 मैरिड कैंडिडेट्स के हॉस्टल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हॉस्टल्स में आपकी जिम, वाईफाई, वाटर प्योरीफायर सारी चीजें रहती हैं। ओके, सारी चीजें आपकी इन कैंपस ही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टेनिस सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। लैब्स हैं तो आप लैब्स भी देख सकते हैं, लैब्स भी आपके अच्छे खासे आईआईटी रुड़की में है। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी कि आपकी मेन थिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी थी, आपको अगर अप्लाई करना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपने अगर बीएस डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने बीएस इन डेटा साइंस किया है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया है। ओके, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड स्ट्रीम से हैं ओके देन आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, तो आज के वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा एलिब्रेट नहीं करते इसको। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।